स्वागत है आपका। तो आज क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा बायोलॉजी का मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए आपकी नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कुछ भी ऐसा आपके नेचर के अंदर जिसे आप यूज कर सकते हो, वही आपका नेचुरल रिसोर्स है। कुछ भी जो इन्वायरमेंट में है जिसे हम यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड, वही आपका नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक स्रोत। ओके, सेकंड क्वेश्चन कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है क्या। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि कंट्रोल करे यूज को नेचुरल रिसोर्सेज के, कि कितने हमें नेचुरल यूज करना है, कैसे हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें बताए कि हमें कंट्रोल करना है यूज को नेचुरल रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज को एक कंट्रोल्ड वे में हमें यूज करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि हमें मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज करना है, यानी कि हमारा काम भी हो जाए और नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो। यहीं से एक रिलेटेड है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहां से एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारी नीड्स को भी पूरा करे और जो आने वाली जनरेशंस है उनकी नीड्स के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखे, बचा कर रखे। मतलब हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन डेवलपमेंट ऐसा करे जिससे हमारा भी मतलब काम हो जाए, जो हम चाहते हैं हमारी भी नीड्स पूरी हो जाए और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें। तो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करें, ये तो समझ लिया। मैनेज करने का मतलब है कि उन्हें कंट्रोल्ड वे में यूज करना और मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज करना। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि क्यों करें हम भाई। पहली बात तो ये लिमिटेड है, दूसरी बात ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पांचवा क्वेश्चन क्या हो सकता है, पांचवा क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि डैम्स क्या होते हैं। या उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लो, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स वे पर्सन जिन्हें इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, किसी भी थिंग में, उन्हें हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। आपको बुक में इंटरेस्ट है तो आप स्टेक होल्डर हो बुक के। तो ऐसे ही स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे फॉरेस्ट्स के, फॉरेस्ट्स के भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। चार स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहला स्टेक होल्डर है जो उसके आसपास लोग रहते हैं या फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं, यानी कि आदिवासी वगैरह। वे स्टेक होल्डर क्यों है, इसलिए है क्योंकि वहां से वे लकड़ी ले जाते हैं अपनी झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए या बकेट वगैरह बनाने के लिए। वहां से फल लेते हैं, वे वहां से लकड़ी लेते हैं ईंधन के लिए। तो वे स्टेक होल्डर्स हैं फॉरेस्ट के क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट, बता दिया। दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हें इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि उन्हें वहां से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, टिम्बर इंडस्ट्री और जो आपकी पेपर इंडस्ट्री है उन्हें लकड़ी की जरूरत है तो वे वहां से वुड लेते हैं। रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स वहां से इंडस्ट्री के लिए मिलते हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी स्टेक होल्डर्स हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका उसकी रेख देख करता है, केयरटेकर है फॉरेस्ट का। ऐसा क्यों करता है, एक तो सीधी सी बात है कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट कंजर्व रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ कंजर्व रहेगी, एक बात। दूसरी बात यह कि इन्हें वहां से पैसा भी तो मिलता है जब टूरिस्ट वगैरह वहां पर घूमने के लिए आते हैं। फोर्थ ये होते हैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ये वे लोग हैं जो फॉरेस्ट को उनकी ओरिजिनल कंडीशन में, यानी कि प्रिस्टाइन फॉर्म में देखना चाहते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। ना ये वहां रहते, ना ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ना ये गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो बस फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। वैसे उनसे जुड़े हुए हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ये एक अलग तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, इन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन अपना।
कि डैम्स बनाए क्यों जाते हैं? डैम्स बनाए जाते हैं वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, एग्जांपल बताना। जैसे भाखड़ा बांध कहां पर है, किसके ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर। सतलुज रिवर के ऊपर कौन से स्टेट में? पंजाब में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं डैम के? फायदा ये है कि एक तो सिटी वगैरह में, टाउन वगैरह में पानी पहुंचाया जाएगा, खेतों में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी बनेगी। वाटर, फ्लोइंग वाटर जो है आपका, वो टर्बाइंस को चला देता है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर कौन सी एनर्जी रखता है? काइनेटिक एनर्जी। और जब वो ऊपर से आकर गिरता है टर्बाइंस पर, तो टर्बाइंस को रन कराता है, जिससे शाफ्ट से जुड़े रहते हैं जनरेटर, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है डैम्स में, जो स्टोर पानी होता है। तो ये इसके फायदे, इसके कुछ नुकसान भी है कि जहां डैम्स बनते हैं वहां से लोगों को हटाना पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, क्योंकि एनिमल्स वगैरह जहां होते हैं वहां पर, वे भी वहां से खत्म हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, उन्हें हटाना पड़ता है वहां से, या लोग होते हैं उन्हें हटाना पड़ता है, उनका माइग्रेशन होता है। तो बहुत सारी से प्रॉब्लम्स भी हैं। सेवंथ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, पॉल्यूशन ऑफ रिवर वॉटर। जैसे गंगा शुरू होती है, गंगा रिवर ये शुरू होती है गंगोत्री से शुरू होती है और गंगा सागर तक जाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। तो ये टोटल सफर करती है 2500 किलोमीटर का, 2500 किलोमीटर। तो ये देख लो कहां कहां से गुजर कर जाती होगी। तो इस रिवर में कुछ और रिवर्स भी आकर मिलती हैं, और इंडस्ट्रीज से भी जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो भी इसमें भेजा जाता है, अनट्रीटेड सीवेज भी भेजा जाता है, और लोग भी अपना जो वेस्ट वेस्ट मटेरियल्स है वे भी इसमें ऐड करते हैं। मतलब पूरी तरीके से ये पोल्यूटेड हो जाती है। तो पोल्यूशन हम रिवर वाटर का कैसे मेजर करें, या कैसे पता लगाएं कि कोई रिवर पोल्यूटेड है या नहीं है? तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, ये देख लो। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया यदि प्रेजेंट है तो इसका मतलब रिवर वाटर पोल्यूटेड है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसका मतलब और बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होंगे जो कि हार्मफुल होंगे हमारे लिए। सेकंड है पीएच, देख लो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यदि ये 7 से कम है, यानी कि एसिडिक है, इसका मतलब पॉल्यूटेड है। आपको पता है प्योर वाटर की पीएच तो 7 होती है, अब पीएच एसिडिक है इसका मतलब 7 से कम है तो इसका मतलब एसिडिक का मतलब कि पॉल्यूटेड है रिवर वाटर। आठवां, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना, और ये बहुत पहले से इंडिया में होता आ रहा है, राजस्थान वगैरह में तो बहुत पहले से, जहां पर पानी की कमी है और कभी कभी बारिश होती है। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है कि रेन के वाटर को स्टोर करके रखना? नहीं, इसका मेन मकसद यह है कि ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करना। सिटीज वगैरह में ऐसा होता है कि सिटीज वगैरह में वेजिटेशन तो नहीं होता, घास फूस वगैरह ये तो नहीं होते। अब जब बारिश होती है तो पानी बहकर ऐसे ही सीवेज वगैरह में चला जाता है, नालियों में, वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर वेजिटेशन नहीं है। वेजिटेशन के थ्रू ही, जड़ों के थ्रू ही अंदर जाता है, जब वो ही नहीं है वहां पर, वहां तो कॉन्क्रीट की रोड है। तो मेन मकसद इसका ये है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होगा, इसलिए आसपास पानी की किल्लत नहीं रहेगी, और ये वाटर इतनी, मतलब बारिश होती भी है, कई जगहों पर बारिश ज्यादा होती है लेकिन फिर भी पानी की किल्लत होती है वहां पर। इसका कारण ये है कि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, दूसरा वही मैंने बताया वेजिटेशन की कमी है, तीसरा हमारे लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहे हैं, पानी हम खूब बा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास पानी है वे वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास पानी नहीं है वे पानी के लिए तड़प रहे हैं। ओके, अब है 3 आर्स टू
सेव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए 3 R's है हमारे पास, वो है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब जो यूज कर रहे हो चीजें उनका यूज घटाओ, इफेक्टिव वे में यूज करो उन्हें, कम से कम यूज करो और अपना काम भी हो जाए, अपनी नीड भी पूरी हो जाए। रियूज, बार बार चीजों को जितना यूज कर सको यूज करने की कोशिश करो। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब कि जब वे खराब हो जाए तो उनके उनकी रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में उन्हें भेज दो, जिससे कि कुछ नई मटेरियल्स उनसे बन सके। तो ये थे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।